सो कर्डम एंड नमस्ते, दिस इज कर्बी ब्लाद एंड आप सबको फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। सो आज का वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो चीज़ मेघालय में मिलता है ना, अभी कार्बी एंगलोंग में भी वो चीज़ मिलना शुरू हो चुका है। सो मैं आप लोगों को पता है मैं कहाँ पे अभी, तो मैं दिखा रहा हूँ, देखो कहाँ पे। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुका है यहाँ पे। सो हेमताप रिजॉर्ट famous in Karbi Anglong and almost to be explored all over the northeast, all over India. ये देखो हेमताप रिजॉर्ट। सो हेमताप रिजॉर्ट में हम लोग घूमने के लिए आया है। यहाँ का चीज़ कैसा होता है, हर चीज़ कैसा हो, वो सब एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। सो मैं खुद एक्सपीरियंस करने वाला हूँ और मैं आप सबको भी इस वीडियो में हम लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा वो सब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ। जगह पर जो चीज़ Karbi Anglong में नहीं मिलते ना, सो अभी से मिलना शुरू हो चुका है। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे टीका पे हूँ मैं, टीका। सो ये देखो यहाँ का नज़ारा। ये टीका पहाड़, टीका हिल्स, ऑन अ हिल्स टॉप ऑफ टीका। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जिप लाइन तक। जिप लाइन का एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा मैं आप सबको भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और अगर आप लोग भी नया हो तो प्लीज़ डू विजिट Karbi Anglong ऑन द हिल्स टॉप ऑफ टीका एंड विजिट हेमताप रिजॉर्ट। फाइनली भाई लोग हम लोग पहुँच गए जिप लाइन, जहाँ पे जिप लाइन शुरू होता है वहाँ तक हम पहुँच चुका है। यहाँ से होता है जिप लाइन। क्या बोलते हैं पब्लिक लोग, आप लोग यहाँ पे आओगे कि नहीं? सो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग आना चाहोगे कि नहीं चाहोगे इस जगह पे। देखो भाई यहाँ से शुरू होगा, यही है वो रसीद जो फ्लाइट के जैसा पूरा इतना स्पीड से उड़ेगा, ये रॉकेट से भी छोड़ेगा, रॉकेट से भी ज़्यादा तेज इसमें चढ़ने के बाद इतना स्पीड होगा। अरे दिखाने वाला हूँ बाद में। यहाँ से होगा टार्जन स्विंग, आप सबको मैं दिखाने वाला हूँ। भाई लोग ये देखो टार्जन स्विंग के लिए ये पहना रहा है मुझे बुलेट प्रूफ। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 4 तक में लड़ने के लिए जाने वाला हूँ इसलिए ये पहन रहा।
कार। नांग चन इसीगा फिर आन लोले आप सब टार्जन स्विंग देख के आप सबको कैसा लगा? सो प्लीज डू विजिट हेमता रिजॉर्ट। टार्जन स्विंग करने के बाद इतना मतलब फिर से उछलने के मन कर रहा है, फिर भी मेरे पास ना पैसा नहीं है। सो प्लीज डू विजिट हेमता रिजॉर्ट और यहाँ का मजा लूट दीजिए। मजा लूटने के लिए आइए, एंजॉय करने के लिए लूटने के लिए आइए, मजा लूटने के लिए। सो और भी है अभी है हम लोग का इस जीप लाइन का मास्टर है, ये हम लोग को डेमो दिखाने वाला है कैसे पकड़ना है। लाइन लगा ब्रेक में हाँ ये देखो भाई, हम लोग का कैप्टन हमको डेमो दिखा रहा है। द वे एंड प्रोसेस। तू एक्सपीरियंस फिश का एक्सप्रेशन देखो भाई का, बॉस का। ओ तो पहुंच गया। जिप लाइन शुरू होने वाला है, अभी चेकिंग चेकिंग करे फिलहाल, क्योंकि चेकिंग बहुत जरूरत है। आप कुछ भी करो चेकिंग हमेशा जरूरत है। पूरा पहली बार पूरा चेक कर ले, चेक करने के बाद ही यूज करना। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ओके कंटिन्यू। भाई लोग, इट वॉज एन ऑसम एक्सपीरियंस। आई विल रिकमेंड एवरी वन टू प्लीज डू विजिट एंड ट्राई योर व्हाट टू से कम एंड ट्राई द जिप लाइन हियर। इट वॉज ऑसम एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो इतना फैलाओ कि पूरा जो जितना भी आदमी है ना यहाँ पे सबके मुँह में हेमताब रिजॉर्ट का नाम आ जाए। सो मेरा टर्न्स खत्म हुआ है, आपकी ही टर्न शुरू होने वाला है। तो ये देखो मोबाइल दो मत का था। देखो हम लोग का बॉस भी अभी जीप लाइन से जाके बॉक्सिंग लड़ने के लिए जाने वाला है। यहाँ से जीप लाइन से जाके वहाँ तक बॉक्सिंग लड़ के फिर से वापस आएगा। पूरा रेडी हो चुका है या उसका भी स्विंग, उसका भी बारी आ रहा है, क्योंकि ये माउंटेन ड्यू एक बार में दो बोतल पी लिया था ना, सो जोश ज़्यादा हो चुका है। हाउ इज़ द जोश? माउंटेन ड्यू इज़ आर जोस। ये देखो ये देखो हम लोग का बॉस। वाओ का बॉस पूरा स्विंग करके अभी हो चुका है, यहाँ तक रेस्ट लेने के लिए आ चुका है। तो हम लोग का स्विंग प्रोसेस यहीं पे ख़त्म होता है, और भी प्रोसेस और भी चीज़ और दिखाने वाला हूँ। ये देखो, और यहाँ पे ये बच्चों के लिए यहाँ पे स्विंग थोड़ा ही है, इतना नहीं है। जिप लाइन शॉर्ट वे तो हेमताब रिजॉर्ट में बहुत सारा वैरायटीज है। अगर तुम लोग यहाँ पे आओगे ना तो पूरा लाइफ एंजॉयमेंट मतलब कुछ भी यहाँ पे मिल जाता है। टाइगर स्विंग,
जीप लाइन सब कुछ मिलता है। अगर रात में रहना हो तो तभी भी आप लोग के लिए यहाँ पे गेस्ट हाउस है। ये देखो हम लोग तो सिर्फ जगह देखने के लिए आए गेस्ट हाउस। इधर गेस्ट हाउस में भी रहकर भी व्यू पॉइंट का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ से वहाँ पे एक और नया गेस्ट हाउस बना रहा है, ये दो तो बन चुका है। ये देखो गेस्ट हाउस बेडरूम। रंग दो बोधी अभी लंग तो मैं सिमोर फुल नहीं कौन हो। सो थोड़ा फेस वॉश मुंह धो लेता हूँ पहले। गेस्ट हाउस यही बेडरूम है। वाह गेस्ट रूम भी मिलता है यहाँ पे कोई। सो पूरा स्विंग करने के बाद यहाँ का पूरा हेमताब रिजॉर्ट का पूरा मज़ा लूटने के बाद हम लोग अभी खाने के लिए बैठ चुके हैं। हम लोग का बॉस क्योंकि ये माउंटेन ड्यू एक बार में दो बोतल पी लिया था, अभी इसका जूस बहुत है ना। सो ये देखो ये हम लोग खाने वाले हैं फ्राइड राइस, पॉक फ्राइड राइस। स्पून भी यहाँ पे है और यहाँ का व्यू भी देखो क्या बोलते हैं पब्लिक, पब्लिक आप लोग वीडियो देख के सब्सक्राइब करोगे कि नहीं? यस सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और इतना इंटरेस्टिंग अच्छा अच्छा सा वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो और ये हम लोग का जो खाने वाली चीज़ है ना। सो टाटा बाय बाय हेमताब रिजॉर्ट। हेमताब रिजॉर्ट को हम लोग बोल के जाने वाला है अलविदा अलविदा अलविदा। फिर भी हम लोग फिर से आके वीडियो आप सबको भी बना के दिखाने वाला हूँ। फिर वैसा भी आज का वीडियो हेमताब रिजॉर्ट का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। सो टाटा बाय बाय हेमताब रिजॉर्ट।